तो दोस्तों अगर आप Redmi Poco या Xiaomi का डिवाइस यूज करते हैं और YouTube में कोई वीडियो को प्ले करते हैं और वीडियो टूल्स को ओपन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहां पे देखने मिल जाता है और वो ऑप्शन मिलता है प्ले वीडियो साउंड स्क्रीन ऑफ। ये ऑप्शन देखने मिल जाता है दोस्तों, जैसे आप यहां पे कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद दोस्तों इस ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जो भी यूट्यूब का जो ऑडियो होता है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो उसके बाद भी सुनने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कीजिएगा तो ये वीडियो यहाँ पे प्ले होता रहता है। पर दोस्तों जैसे आप यहां पे देख सकते हैं इस डिवाइस में ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। मैं यहां पे YouTube को प्ले करता हूं, प्ले करने के बाद देख सकते हैं ये ऑप्शन यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। या अगर आपके पास Poco का डिवाइस है उसमें भी अगर आप यहां पे देखें तो ये ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पे शो नहीं हो रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं ये प्रॉब्लम अगर आपको मिल रहा है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे आप यहां पे फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने पर एडिशनल सेटिंग में जाइएगा। एडिशनल सेटिंग में जाने फ्लोटिंग विंडो पे जाते हैं तो आपको साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इस ऑप्शन को आपको यहां से बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखने मिल रहा है इस एप्लीकेशन पे टैप करना है। टैप करने के बाद एप्स इंफॉर्मेशन में जाना है और अगर आपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन को अपडेट करके रखा हुआ है तो सबसे पहले दोस्तों इसको आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। पर दोस्तों जैसे आप यहां पर अनइंस्टॉल अपडेट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं ये अनइंस्टॉल अपडेट हो चुका है। ये आप देखिए यहां पर अनइंस्टॉल अपडेट होने के बाद यहां पर डिफॉल्ट में यहां पर जो मिला था अपडेट वो आपको यहां पे देखने मिला। उसके बाद सिक्योरिटी एप्लीकेशन को एक बार यहां पे आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने बाद दोस्तों जैसे आप यहां पे YouTube में जाइएगा तो अभी भी आप यहां पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इनेबल करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसे आप यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने फिर से मैं यहां पे जाता हूं एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में जाने बाद फिर से फ्लोटिंग विंडो में जाऊंगा और साइड बार वाले ऑप्शन में जाऊंगा और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो व्हाइल प्लेइंग वीडियो। ये ऑप्शन जो मिल रहा है इस ऑप्शन को ऑन कीजिएगा तभी वो फीचर मिलता है, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना है और ऑलवेज शो वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको यहां से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद फिर से आप यहां पे देख सकते हैं YouTube को अगर मैं ओपन करता हूं और वीडियो को प्ले करता हूं तो प्ले करने के बाद देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार यहां पर रिबूट कर लेना है, पावर बटन को प्रेस करना है और अपने मोबाइल को यहां पर रिबूट कर लेना। तो चलिए मैं अपने मोबाइल को रिबूट करके आपको दिखाता हूं कि यह फीचर आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों रिबूट होने के बाद फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे YouTube को ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद आपको यहां पे काफी सारी वीडियो देखने मिल जाएंगे। वीडियो को अगर मैं यहां पे प्ले करता हूं और साइड बार में जाता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो विथ स्क्रीन ऑफ वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा यहां पर टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर आपको ओके वाला ऑप्शन देखने मिलेगा और ओके पे दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी यूट्यूब में वीडियो में जो ऑडियो आ रहा है वो आप यहां पर बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, स्क्रीन ऑफ करके सुन सकते हैं। और जैसे आप यहां पर अपने मोबाइल को ऑन कीजिएगा तो YouTube यहां पे ओपन रहेगा और यहां पे देख सकते हैं ये यहां पे वीडियो प्ले हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।